1865 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट अपने हाथ में लिया, कंट्रोल लिया फॉरेस्ट का, क्योंकि उनको फॉरेस्ट के रिसोर्सेज चाहिए थे। 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट का कुछ क्लासिफिकेशन किया कि कौन से फॉरेस्ट लोकल लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन से फॉरेस्ट लोकल लोग नहीं यूज़ कर सकते। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से गवर्नमेंट फर्दर ट्राई टू टेक द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफेंसेस इंक्रीज कर दिए गए, गवर्नमेंट ने टिम्बर के ऊपर टैक्सेस इम्पोज करने का राइट और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर भी टैक्सेस इम्पोज करने का राइट अपने हाथ में ले लिया, राइट। इंडिपेंडेंट इंडिया ने फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट किया 1952 में। सो इस टाइम पर गवर्नमेंट ने ज़्यादातर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया। गुड मॉर्निंग। सो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 पढ़ेंगे आज हम लोग, ओके। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। इट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव। सो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के ऊपर और मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, ओके। सो लेट मी शो यू टू क्वेश्चंस दैट आर प्रीवियसली आस्क्ड इन एंथ्रोपोलॉजी पेपर टू, ओके। सो पेपर टू में यू सी हियर 2021 में क्वेश्चन नंबर 6A, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ऑन द लाइवलीहुड एंड कल्चर ऑफ ट्राइबल पीपल इन इंडिया, ओके। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। सो यहाँ पर इम्पैक्ट पूछा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्पैक्ट क्या हुआ है ट्राइबल लाइफ के ऊपर, ओके। नाउ यू सी द सेकेंड क्वेश्चन 2018 में, क्वेश्चन नंबर 8C, ओके। 2018 में क्वेश्चन नंबर 8C, डिस्कस द सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। सो यहाँ पर सिग्निफिकेंस पूछा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट का इम्पॉर्टेंस क्या है, राइट। सो ये मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। नाउ लेट मी शो यू वन क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन प्रीलिम्स। सो अभी रिसेंटली 2021 में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा था फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर। यू सी हियर, ये क्वेश्चन पेपर है 2021 का, एंड लेट मी शो यू वन क्वेश्चन दैट वॉज आस्क्ड इन प्रीलिम्स, ओके। यू सी क्वेश्चन नंबर 84, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट 2006, ओके। सो यहाँ पर कौन सी मिनिस्ट्री नोडल एजेंसी है टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट। सो चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ओके। सो चार ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पर, करेंगे हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व जैसी जैसी हम लोग ये लेक्चर्स थोड़ा कंप्लीट करते जाएंगे, वैसे वैसे ये सारे क्वेश्चंस के आंसर कर लेंगे हम लोग, ओके। सी हियर कि देर आर सो मेनी एक्ट्स एंड पॉलिसीज। सो इससे पहले जैसे कि लैंड एलिनेशन एक्ट पहले इनएक्ट हुआ, उसके बाद में इट वॉज अमेंडेड फॉर सो मेनी टाइम्स। देन वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, देर आर सो मेनी डिफरेंट फॉरेस्ट पॉलिसीज है। सो इतने एक्ट्स और पॉलिसीज हैं इंडिया में कि जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राइबल लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, राइट। वाई स्पेसिफिकली दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या यूनिकनेस है, वाई दिस एक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी विद द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 गवर्नमेंट हैज रिकग्नाइज द यू नो राइट्स ऑफ द ट्राइबल पीपल रिगार्डिंग द फॉरेस्ट। सो अब फॉरेस्ट में रहने वाले लोग, वेदर इट इज़ ट्राइबल और नॉन ट्राइबल, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, सो ये लोग फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर सकते, उसको सेल कर सकते अपनी इनकम जनरेट करने के लिए, उनको ओनरशिप राइट्स भी दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इससे पहले नहीं थी, ओके। वी गवर्नमेंट हैज़ गिवन ऑल दिस थिंग्स विद द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, इसीलिए ये एक्ट बहुत यूनिक है, एंड दैट इज़ वाई दिस एक्ट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। सी एक ट्राइबल्स, एक तरफ ट्राइबल्स है, ओके, और दूसरी तरफ फॉरेस्ट है, एक ट्राइबल्स है और दूसरी तरफ फॉरेस्ट है, दिस टू थिंग्स आर इनसेपरेबल, ओके। इन दोनों में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ना। जैसे फॉरेस्ट को क्या हेल्प होती है ट्राइबल से,
ट्राइबल्स पीपल हेल्प इन द कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट. सो वो लोग फॉरेस्ट को कंजर्व करते, वो लोग फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करते, सो दैट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट. और ट्राइबल्स लोगों को क्या यूज़ है फॉरेस्ट का? ट्राइबल्स लोगों को तो फॉरेस्ट का बहुत यूज़ है. देयर इकोनॉमिक लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द फॉरेस्ट. सो वो लोग अपनी इनकम जनरेट करते हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते, वो लोग फॉरेस्ट प्रोडक्ट को सेल करते. सो राइट, देयर इकोनॉमिक लाइफ डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स देम शेल्टर, है ना? फॉरेस्ट में वो लोग रहते, सो फॉरेस्ट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग देम शेल्टर फॉर लिविंग. देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द फॉरेस्ट इज ऑल्सो सर्व रिलीजियस पर्पज इन देयर लाइफ. ओके, फॉरेस्ट ऑल्सो सर्व द रिलीजियस पर्पज इन देयर लाइफ. रिलीजियस रोल प्लेड बाय द फॉरेस्ट. कैसे? दे वर्शिप द ट्री, राइट? दे वर्शिप रिवर. देयर स्पिरिट्स रिसाइड्स इन द फॉरेस्ट. सो एक रिलीजियस उनका रोल भी फॉरेस्ट प्ले कर रहा है उनकी लाइफ में. इतना इंपॉर्टेंस है ट्राइबल्स की लाइफ में फॉरेस्ट का, राइट? इसीलिए वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल विदाउट फॉरेस्ट. जब गवर्नमेंट फोर्सफुली ट्राइबल्स को दूसरी जगह पर शिफ्ट करती है किसी प्रोजेक्ट के वजह से, या फिर कोई नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अगर ट्राइबल्स लोग रह रहे हैं, एंड इफ़ दे आर फोर्सफुली डिस्प्लेस टू सम अदर लोकेशन, सो उनको अल्टरनेटिव फैसिलिटी तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट? वी कैन प्रोवाइड अल्टरनेटिव फैसिलिटी टू द ट्राइबल्स. कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा सकती है ट्राइबल्स को, यू नो, रखने के लिए, बट वी कैन नॉट ब्रिंग बैक देयर कल्चर. ये जो रिलीजियस रोल है ना, सो एक जो ट्राइबल्स लोगों के इमोशंस जुड़े हैं फॉरेस्ट के साथ, कैन वी ब्रिंग बैक देयर कल्चर? नो. फॉरेस्ट एक सिंपल एक फिजिकल एंटिटी नहीं है उनके लाइफ में, उनके इमोशंस अटैच्ड है फॉरेस्ट के साथ. व्हाई आई एम सेइंग ऑल दिस थिंग्स, यू मस्ट ट्राई टू, यू नो, रिकग्नाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट इन द लाइफ ऑफ ट्राइबल पीपल. जब तक ये इम्पॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा, सो आप ये क्वेश्चन करोगे कि हम लोगों ने ट्राइबल्स को इतने राइट्स क्यों दिए फॉरेस्ट को लेकर. सी हाउ मेनी पैरामीटर्स, कितने सारे पैरामीटर्स उन लोगों की लाइफ में फॉरेस्ट से जुड़े हुए, है ना? सो नाउ विद द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, विद द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, नाउ गवर्नमेंट हैज गिवन देम सर्टन राइट्स रिगार्डिंग द फॉरेस्ट. और इसीलिए अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, जब अगर आप ये एक्ट का स्टेटमेंट पढ़ोगे, इसके ऑब्जेक्टिव, सो इट सेज कि दिस एक्ट हैज, यू नो, ट्राइंग टू अनडू द हिस्टोरिकल रॉन्ग. सो अभी तक ट्राइबल्स के लाइफ में जो भी उनके राइट्स को डिनाई किया गया, जो भी उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया गया, सो दिस फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006, इट इज ट्राइंग टू अनडू द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स डन टू द ट्राइबल्स. बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये. ओके, इट्स नॉट अ स्मॉल स्टेटमेंट, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ये. इट इज ट्राइंग टू अनडू द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स डन टू द ट्राइबल पीपल. सो ये स्टेटमेंट ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के लिए यूज किया गया है. ओके, सो अब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, इतने आसानी से तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया होगा, राइट? इसके पहले भी कुछ एक्ट्स रहे होंगे, इसके पहले भी कुछ पॉलिसीज रही होंगी. सो लेट्स ब्रीफली डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्ट्स एंड पॉलिसीज बिफोर द FRA 2006. ओके, सो वी विल ट्राई टू इस्टेब्लिश, एक लिंक इस्टेब्लिश करेंगे हम लोग, और थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे कि कैसे धीरे धीरे ये सब चीज़ें इवॉल्व हुई. ओके, सो द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट, इट वॉज केम इन टू एक्जिस्टेंस इन 1865, एंड दैट वॉज नोन एज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865. इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865. अब यहाँ से ध्यान देना. ओके, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 कौन से पीरियड में हम लोग हैं? 1860s में. सो अभी कौन रूल कर रहा है हमारे ऊपर? ब्रिटिश गवर्नमेंट इज रूलिंग ओवर इंडिया. व्हाई स्पेसिफिकली 1865? सी, किसी भी एक्ट की एक हिस्ट्री रहती है. कोई भी एक्ट अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में इनैक्ट किया गया है, इसका मतलब उस टाइम पर कुछ तो हुआ होगा, कोई सोशल इवेंट हुआ होगा, कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हुए होंगे, कुछ इकोनॉमिकली
उस कंट्री में प्रॉब्लम हुए होंगे, तभी वहाँ पर वो एक्ट एक्जिस्टेंस में आया। हर एक्ट की कुछ ना कुछ हिस्ट्री रहती है। वाई स्पेसिफिकली ड्यूरिंग 1865 या फिर ड्यूरिंग 1860? बिकॉज क्या हुआ, इस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रेलवे कंस्ट्रक्ट कर रही थी, राइट? सो रेलवे कंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको फॉरेस्ट रिसोर्सेस चाहिए थे। फॉरेस्ट रिसोर्सेस में स्पेशली वुड चाहिए था उनको। वाई दे वॉन्टेड वुड? बिकॉज दे फॉर इट इज़ फॉर रेलवे स्लीपर्स। ओके, इट इज़ फॉर रेलवे स्लीपर्स। सो स्लीपर्स आप लोगों ने देखे होंगे ना, वो ट्रैक के बीच में वुडन रेलवे स्लीपर्स रहते हैं। अभी तो मॉडर्न डेज में दैट वुडन स्लीपर्स आर रिप्लेस्ड बाय द कॉन्क्रीट स्लीपर। सो उस टाइम पे वुडन स्लीपर्स यूज होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट इट वॉज फोकसिंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे। रेलवे स्लीपर्स के लिए उन लोगों को फॉरेस्ट रिसोर्सेज चाहिए थे, स्पेशली वुड। सो दैट इज़ वाई विद दिस एक्ट ऑफ 1865 ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर द फॉरेस्ट एज अ स्टेट प्रॉपर्टी। ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर फॉरेस्ट एज अ स्टेट प्रॉपर्टी। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, एक तो उन लोगों को वुड चाहिए था रेलवे स्लीपर्स के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है, दे ऑल्सो वॉन्टेड टीक। क्यों टीक उनको चाहिए? बिकॉज दैट वॉज रिक्वायर्ड फॉर शिप बिल्डिंग। सो दे वर फाइटिंग अ वॉर अगेंस्ट नेपोलियन, उसमें शिप बिल्डिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटी थी। सो शिप बिल्डिंग के लिए दे वॉन्टेड टीक, और टीक इंडिया में अवेलेबल था। सो उसके लिए पहले फॉरेस्ट को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा। सो इन सब चीज़ों को, फॉरेस्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में लिया और ये रिसोर्स का यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट एक्ट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। सो ये फर्स्ट एक्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1865। नाउ सेकेंड इम्पॉर्टेंट एक्ट इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878। ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इन सब चीज़ों को। ओके, अब इसमें क्या हुआ, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1878 में द फॉरेस्ट इट वॉज क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज विलेज फॉरेस्ट। फर्स्ट इज रिजर्व फॉरेस्ट, सेकेंड इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड थर्ड वन इज विलेज फॉरेस्ट, राइट? सो With the Act of 1878, British government classified the forest into three categories: reserved forest, protected forest और village forest. अब ये reserved forest, ये यहाँ पर completely government control रहेगा and tribals people cannot use this forest. Okay? They cannot use this forest. This protected forest, it was partially controlled. The protected forest, it was partially controlled. क्योंकि यहाँ पर local लोगों का interference अनअवॉइडेबल है ना? यहाँ पर लोकल लोगों का इंटरफेरेंस को कंप्लीटली अवॉइड नहीं किया जा सकता, इसीलिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें अलाउ करी और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी रखे। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज विलेज फॉरेस्ट। नाउ दिस फॉरेस्ट इट वॉज कंप्लीटली फॉर दी लोकल यूज, लोकल लोग इस फॉरेस्ट को यूज कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया 1865, गवर्नमेंट डिक्लेयर द फॉरेस्ट एज अ स्टेट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। गवर्नमेंट को फॉरेस्ट के कुछ रिसोर्सेज चाहिए थे, इसीलिए गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, रेलवे स्लीपर्स के लिए और शिप बिल्डिंग एक्टिविटी के लिए, राइट? सेकेंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878, फॉरेस्ट वॉज क्लासिफाइड इंटू थ्री कैटेगरीज: रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। ओके, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। सो इसमें क्या हुआ, द अर्लियर प्रोविजन्स ऑफ द एक्ट ऑफ 1878। सो ये जो पहले का क्लासिफिकेशन था, दिस क्लासिफिकेशन इट वॉज कंटिन्यूड इन द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। बट यहाँ पर फीचर्स क्या चेंज हुए, गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू टेक द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट मोर एंड मोर। कैसे? फॉरेस्ट ऑफेंसेस इंक्रीज, गवर्नमेंट इंक्रीज द लिस्ट ऑफ फॉरेस्ट ऑफेंसेस। सो पहले जिन चीजों को क्राइम नहीं डिक्लेयर किया जाता था, अब उनको क्राइम डिक्लेयर किया गया। ओके, गवर्नमेंट इज टेकिंग द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट मोर एंड मोर। सेकेंड
इम्पॉर्टेंट थिंग इज गवर्नमेंट ऑल्सो एक्वायर द राइट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द टीक एंड अदर फॉरेस्ट रिसोर्सेस. ओके, गवर्नमेंट एक्वायर द राइट टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट रिसोर्सेस. सो अब टैक्स कलेक्शन का भी राइट, टैक्स इम्पोज करने का भी राइट गवर्नमेंट के हाथ में आ गया. गवर्नमेंट ऑल्सो ब्रॉट द शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस अंडर इट्स परव्यू सब्जेक्ट टू सम रेस्ट्रिक्शंस. ओके, ध्यान से सुनो, गवर्नमेंट ऑल्सो ब्रॉट शिफ्टिंग कल्टिवेशन प्रैक्टिस अंडर इट्स परव्यू. वाई शिफ्टिंग कल्टिवेशन स्पेसिफिकली? शिफ्टिंग कल्टिवेशन से क्या प्रॉब्लम है? शिफ्टिंग कल्टिवेशन मतलब क्या होता, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन? ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में. नॉर्थ ईस्ट में हमारे इंडिया में पॉपुलर है शिफ्टिंग कल्टिवेशन. इसमें क्या होता कि ट्राइबल्स लोग पहले किसी एक जगह पर कल्टिवेशन करते, फिर वो दूसरी जगह पर जाते, दूसरी जगह पर जाने के बाद दे क्लियर ऑल द फॉरेस्ट, फिर वो वहाँ पर कल्टिवेशन करते, फिर उसके बाद में कुछ टाइम के बाद दे मूव टू सम अदर लोकेशन, फिर वहाँ पर वो लोग फिर फॉरेस्ट को क्लियर करते अगेन, फिर उसके बाद में वहाँ कल्टिवेशन होता है. एंड दैट ऑल्सो रिक्वायर्स बर्निंग ऑफ द रेसिड्यूज. क्यों? बिकॉज दे वॉन्ट द रेसिड्यूज टू मिक्स विद द सॉइल, और इसके वजह से क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेंगी. सो यहाँ पर फॉरेस्ट को पहले तो क्लियर किया जा रहा है एंड दैट ऑल्सो रिक्वायर्स बर्निंग लेटर. सो इसके वजह से इवन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी और इंडियन गवर्नमेंट ने भी शिफ्टिंग कल्टिवेशन को यू नो इट ट्राइज की लोग गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन की जो प्रैक्टिस है उसको हटा सके, है ना, बिकॉज दैट इज रिक्वायरिंग द क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट. सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1987 क्या हो रहा है, इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट इज टेकिंग द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट मोर एंड मोर, राइट. नाउ अब यहाँ पर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में इंडियन गवर्नमेंट केम अप विद द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी एंड दैट इज फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952. ओके, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1952. सो अभी इंडिपेंडेंस मिल गया इंडिया को, न्यूली बॉर्न कंट्री है, फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 में. सो उस टाइम पर इंडिया के सामने चैलेंजेस कौन से थे? पॉवर्टी है इंडिया में, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रीज सेटअप करना है, है ना, इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ भी ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ें यहाँ पर इंटरलिंक है. इंडस्ट्रीज़ ग्रोथ होंगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उनकी इनकम जनरेट होंगी, इनकम बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एवरीथिंग इट वॉज इंटरलिंक्ड हियर. सो ड्यूरिंग इनिशियल डेज में गवर्नमेंट फोकस्ड मोर ऑन इंडस्ट्रियल सेटअप, इसीलिए गवर्नमेंट फोकस्ड मोर ऑन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ की नीड को भी पूरी करना ज़रूरी था. गवर्नमेंट फोकस्ड मोर ऑन कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट, राइट. इसीलिए गवर्नमेंट ने इस टाइम पे ट्राइबल्स के जो राइट्स है फॉरेस्ट से रिलेटेड उसको उतना ध्यान नहीं दिया, और ट्राइबल्स को ज़्यादा राइट्स नहीं दिए गए रिगार्डिंग द फॉरेस्ट, और गवर्नमेंट का फोकस कहाँ पर था? रिगार्डिंग द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट. सो इंडस्ट्रीज में जो फॉरेस्ट के रिसोर्सेस लगेंगे उन रिसोर्सेस को फुलफिल करना ज़रूरी है. सो ये इनिशियल फोकस था गवर्नमेंट का. बट गवर्नमेंट ऑल्सो सेड कि ओके वी विल ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेस्ट. गवर्नमेंट सेड वी विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेस्ट. गवर्नमेंट ऑल्सो सेड वी विल ऑल्सो प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द फॉरेस्ट स्टाफ. ओके, गवर्नमेंट सेड वी विल ऑल्सो ट्राई टू परसुएट द ट्राइबल पीपल. परसुएट द ट्राइबल पीपल किस बात के लिए परसुएट करना है? टू लीव द प्रैक्टिस ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेशन. एज आई हैव सेड, टू लीव द शिफ्टिंग कल्टिवेशन. परसुएशन का मीनिंग क्या होता कि थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वेस्ट करना, परसुएट करना, उनको कन्विंस करने की कोशिश करना कि वो लोग शिफ्टिंग कल्टिवेशन की प्रैक्टिस को छोड़े और दूसरे मेथड को अडॉप्ट करें, क्योंकि शिफ्टिंग कल्टिवेशन फॉरेस्ट के लिए यू नो इट्स लाइक अ बेनफुल, हार्मफुल है फॉरेस्ट के लिए, वो दैट रिक्वायर्स क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट. सो दिस वॉज द फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट. नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फॉरेस्ट पॉलिसी, इट वॉज फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988. द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988. सी अभी यहाँ तक, अभी तक क्या हुआ यहाँ पर कि 1952 से लेकर 1988 तक गवर्नमेंट का इस पीरियड में जनरली फोकस किस पे रहा? एज आई हैव सेड,
फॉर द कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फॉरेस्ट। सो इन चक्कर में क्या हुआ कि ट्राइबल्स के राइट को डिनाई किया गया, बहुत सारी जगहों पे से ट्राइबल्स को फोर्सफुली डिसलोकेट किया गया ताकि गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट का कंट्रोल अपने हाथ में रखे, फॉरेस्ट के रिसोर्सेज ज़्यादातर यूज़ कर सके। सो इन सब चीज़ों के वजह से ट्राइबल्स के साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनके भी राइट्स को डिनाई किए गए। सो नाउ विद द फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 गवर्नमेंट स्टार्टेड यू नो इनकॉर्पोरेटिंग द लोकल पीपल इनटू द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ओके सो नाउ द फोकस ऑफ गवर्नमेंट इट वॉज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। ओके द फोकस ऑफ गवर्नमेंट इट वॉज ऑन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। सो अब थोड़ा सा गवर्नमेंट का यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो रहा है और गवर्नमेंट लोकल लोगों का भी ध्यान रख रही है। ओके सो गवर्नमेंट सेड वी विल ऑल्सो टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द नीड्स ऑफ लोकल पीपल, द नीड्स ऑफ लोकल पीपल, वी विल ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व द लोकल पीपल इनटू द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। गवर्नमेंट सेड वी विल ऑल्सो ट्राई टू इन्वॉल्व द लोकल पीपल इनटू द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट, राइट। सो इन सब ऑब्जेक्टिव से गवर्नमेंट जो है वो ट्राइबल्स की नीड्स को भी ध्यान में रख रही है। ओके सो गवर्नमेंट सेड की वी विल ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द ट्री कवर, 33% रहेगा। कैसे? गवर्नमेंट सेड की एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाएंगे, पीपल्स मूवमेंट भी लॉन्च करेंगे। कैसे रहेंगी पीपल्स मूवमेंट? सो इन सब ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पीपल्स मूवमेंट भी लॉन्च करेंगे हम लोग। सो वुमन का इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है इन सब चीज़ों में। सो नाउ यू सी कि कैसे धीरे धीरे ट्राइबल्स लोगों की या फिर जो लोग फॉरेस्ट में रह रहे उन लोगों की नीड्स को भी ध्यान दिया जा रहा है। ओके गवर्नमेंट सेज कि वी विल इन्वॉल्व द लोकल पीपल इन द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। ओके सो 1988 पॉलिसी में यहाँ से धीरे धीरे अब लोकल लोगों की नीड्स को भी ध्यान दिया गया और लोकल लोगों को इन्वॉल्व भी किया गया इन द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट। एंड फाइनली विद द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल रिगार्डिंग द फॉरेस्ट। सो ट्राइबल पीपल एक शेड्यूल ट्राइब और दूसरा है अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर। सो एक शेड्यूल ट्राइब भी, सो फॉरेस्ट में रहने वाले लोग चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो या फिर नॉन शेड्यूल ट्राइब हो, जो फॉरेस्ट में रह रहे हैं उन लोगों को राइट्स दिए गए रिगार्डिंग द फॉरेस्ट। अभी समझ में आया यहाँ तक? दिस वॉज द फर्स्ट एक्ट 1865, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट अपने हाथ में लिया, कंट्रोल लिया फॉरेस्ट का, क्योंकि उनको फॉरेस्ट के रिसोर्सेज चाहिए थे। 1878 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉरेस्ट का कुछ क्लासिफिकेशन किया कि कौन से फॉरेस्ट लोकल लोग यूज़ कर सकते हैं और कौन से फॉरेस्ट लोकल लोग नहीं यूज़ कर सकते। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 से गवर्नमेंट फर्दर ट्राई टू टेक द कंट्रोल ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट ऑफेंसेस इंक्रीज कर दिए गए। गवर्नमेंट ने टिम्बर के ऊपर टैक्सेस इम्पोज करने का राइट और फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर भी टैक्सेस इम्पोज करने का राइट अपने हाथ में ले लिया, राइट। इंडिपेंडेंट इंडिया ने फर्स्ट फॉरेस्ट पॉलिसी अडॉप्ट किया 1952 में। सो इस टाइम पर गवर्नमेंट ने ज़्यादातर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट के ऊपर ध्यान दिया, सो ट्राइबल राइट्स के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया, राइट। और सेकंड यहाँ पर फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988 में अब यहाँ से गवर्नमेंट ने लोकल लोगों को भी इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर दिया इन द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ द फॉरेस्ट और उन लोगों की नीड्स का भी ध्यान रखा गया। ओके एंड फाइनली विद द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006 नाउ गवर्नमेंट हैज ग्रांटेड देम सर्टन राइट्स रिगार्डिंग द यूज ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, राइट। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर सेकेंड इंपॉर्टेंट डिस्कशन, दैट इज डिटेल्स ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। ओके सो अभी इसको मिटा देते पूरा।